अस्सलाम वालेकुम। हाय यूट्यूबर, वेलकम बैक टू सेवल टेक्नोलॉजी। आज जो हम सीरीज़ शुरू करने वाले एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के बारे में, आज हमारा टॉपिक है यूनिट्स मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वर्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिट्स फॉर वेरियस एटम्स ऑफ वर्क्स। The units of different works depends on their nature, size and shape. In general, of units of different atoms of work are based on the following principles. The first one is mass and thick work shall be taken in a cubic units or volume. The measurements of length, breadth and height or depth shall be taken to compute the volume or cubic or contents. The symbol is meters cube. The second one is shallow, thins and surface work shall be taken in square units or in area. The measurements of length and breadth or height shall be taken to compute the area. The third one is long and thin work shall be taken in linear or running units. The linear measurement shall be taken. And the fourth one is feces work, job work, etc. shall be taken in numbers. यहाँ पर फोर प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस की। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है मास एंड थिक वर्क जो है, इसको हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम में, और द मेजरमेंट्स ऑफ दिस वन इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड हाइट्स एंड समटाइम्स ऑफ डेप्थ्स। द यूनिट्स ऑफ दिस वन इज अ क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फीट्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एज meters cube. The second one is a shallow and thin surface work shall be taken in a square units or in area. Like example is a plastering works or DFC damp proof work is taken in a square area. The third one is long and thin work shall be taken in a linear or running units. It's used for a distance only. And the fourth one is a piece work, job work, etc. shall be taken in numbers. And there are many atoms that should be taken in numbers. Now further we discuss the units of measurements and specimens for various atoms of works and materials. Suppose this is a table, serial numbers, particular of atoms, units of measurements in MKS, units of payment in MKS, units of payment in FPS. What is MKS? MKS systems kya hai? Meters, kilogram systems. And FPS or feet pound system. Is video mein hum discuss karenge earthworks aur concretes ke baare mein. Baaki jitne bhi atoms hai, एक एक वन बाय वन हम फर्दर अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थवर्क जो है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, अर्थवर्क इन मिक्स सॉइल विद ए कंकर बाजरी एटसेट्रा। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड दिस इज एमकेएस इज क्यूबिक मीटर्स। और यहाँ पर अगर यूनिट्स ऑफ पेमेंट्स जो होता है परसेंट क्यूबिक मीटर में होता है, यूनिट्स ऑफ पेमेंट एफएएस सिस्टम में वो फर्सन क्यूबिक फीट में होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर रॉक एक्सकेवेशन है, और रॉक एक्सकेवेशन जो है वो भी क्यूबिक मीटर्स में, इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो होता है, और बाकी जो है यूनिट्स ऑफ पेमेंट एमकेएस सिस्टम में जिस तरह फर्सन क्यूबिक फीट में ये भी होता है। तीसरे नंबर पर अर्थ फिलिंग इन एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन, ये भी क्यूबिक मीटर में होता है और फर्सन क्यूबिक मीटर्स में जो है इसका फेमन होता है। इसी तरह अर्थ फिलिंग एंड फ्लैंज जो है ये भी क्यूबिक मीटर में होता है और फर्सन क्यूबिक मीटर में जो है इसका फेमन होता है। अर्थवर्क एंड बैंकिंग, कटिंग रोड एंड इरिगेशन चैनल्स, रोड्स के लिए फिलिंग जो होता है या कटिंग होता है, इस तरह इरिगेशन चैनल में फिलिंग और कटिंग दोनों जो होती है वो भी क्यूबिक मीटर्स में होता है। इसका जो मेजरमेंट्स होता है वो क्यूबिक मीटर में होते हैं, और बाकी जो पेमेंट्स वगैरह करता है वो भी फर्सन क्यूबिक मीटर में करता है। द सिक्स्थ वन इज सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग, क्लीनिंग
एटसेट्रा, या फिर ये जो एटम्स हैं ये अलग है, इसका क्यूबिक मीटर्स में नहीं है, ये स्क्वेयर्स मीटर में है। तो इसके लिए पहले हमने प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जो स्क्वेयर सरफेस एरिया जो होता है वो स्क्वेयर्स मीटर में होता है। तो यहाँ पर जो है ये 10 ड्रेसिंग एंड लेवलिंग जो है एक ले, इसमें 3-4 सिंटी का जो खर्च और फिल वो हो जाता है, लेकिन वो 10 है वो क्यूबिक में नहीं आता, वो स्क्वायर में हम कंसिडर करते हैं। और इसका जो फेमन भी होता है वो फर्सन स्क्वायर मीटर में करते हैं, और इसका जो यूनिट्स ऑफ फेमन एंड FAS सिस्टम है वो भी फर्सन स्क्वायर फिट है। इसी तरह आगे जो एटम्स है, कटिंग ऑफ ट्री गर्थ वाइज जो है इसको नंबर्स में हम कंसिडर करते हैं, जिस तरह प्रिंसिपल में हमने पढ़ा, या फिर जो है फेमन जो MKS सिस्टम में इसका होता है वो फर नंबर पे होता है, और यहाँ पे भी फर नंबर पे है। सेंट फिलिंग जो होते हैं इसको हम बैक फिलिंग भी कहते हैं, तो ये क्यूबिक मीटर में होता है, ये फर्सेंट फर क्यूबिक मीटर्स में इसका फेमन जो होता है वो फर क्यूबिक मीटर पे होता है, और FAS सिस्टम में इसका जो फेमन होता है वो फर्सेंट क्यूबिक फिट पे होता है। इसी तरह क्वेरिंग ऑफ स्टोन और बोल्डर्स जो है ये भी क्यूबिक मीटर्स में है, और यह फर जो यूनिट्स ऑफ फेमन्स है वो फर क्यूबिक मीटर में, और फिट में जो है वो फर्सेंट क्यूबिक फिट में है। इसी तरह जो दूसरा एटम है कंक्रीट्स, तो लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन, फाउंडेशन में जो लाइम कंक्रीट हम करते उसका जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स करते हैं वो क्यूबिक मीटर्स में है, और फर क्यूबिक मीटर में इसका MKS सिस्टम में इसका मेजरमेंट्स फेमस जो देता है वो फर क्यूबिक मीटर के हिसाब से देता है, और इसी तरह फर्सन क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो FAS सिस्टम में देता है। इसी तरह दूसरे नंबर या फिर लाइम कंक्रीट एंड रूफिंग टेरेसिंग थिकनेस स्पेसिफाइड इट इज इन अ स्क्वायर मीटर नट्स इन क्यूबिक मीटर्स एंड द फेमन ऑफ MKS सिस्टम इज फर स्क्वायर मीटर्स एंड फेमन ऑफ FAS सिस्टम इज फर्सन स्क्वायर फिट। द थर्ड वन इज सीमेंट कंक्रीट कंक्रीट्स, जो FCC कंक्रीट भी हम इसको बोलते हैं, ये क्यूबिक मोटर में होता है, और या फिर जो फेमन इसका MKS सिस्टम में होता है वो फर्स क्यूबिक मीटर में होते हैं। इसी तरह जो है फर्सन क्यूबिक फिट में FAS सिस्टम में इसका फेमन जो होता है। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो है री एनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट RCC, जिसमें स्टील का यूज़ हो जाता है, या फिर ये क्यूबिक मीटर्स में है, और फर क्यूबिक मीटर जो है ये यूनिट्स का फेमन जो होता है वो फर क्यूबिक मीटर्स में होता है, और या फिर जो FAS सिस्टम में भी वो फर क्यूबिक फिट पे होता है। इसी तरह CC एंड RCC जो प्लेन कंक्रीट जो होते हैं, और RCC जो री एनफोर्समेंट कंक्रीट होते हैं छज्जा या सनशेड के, वो भी क्यूबिक मीटर्स में हम कंसिडर करते हैं। जो मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर्स में होता है, और यूनिट्स ऑफ फेमन्स जो इसका होता है MKS सिस्टम में वो फर क्यूबिक मीटर्स पे होता है, और यहाँ पर भी वो फर क्यूबिक मीटर्स पे होता है। इसी तरह द सिक्स वन इज फ्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट और RCC, ये भी क्यूबिक मीटर्स में है, और इसी के साथ साथ जो जाली वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर में नहीं होता, ये स्क्वेयर मीटर में है, और यहाँ पर फर्स्ट स्क्वेयर मीटर जो है इसका फेमस करते हैं, और यहाँ पर जो ये भी फर्स्ट स्क्वेयर मीटर में है। द एट वन इज सीमेंट कंक्रीट बेड जो है ये क्यूबिक मीटर्स में है, और फर क्यूबिक मीटर में, और यहाँ पर FAS सिस्टम में भी फर क्यूबिक फिट पे है। द लास्ट वन इज DVC डैम प्रूफ कोर्स, इसका थिकनेस जो है 2.5 cm से लेकर 5.0 cm तक होता है, और यहाँ पर ये जो एटम्स इसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट MKS सिस्टम में ये स्क्वेयर मीटर में होता है, और यूनिट ऑफ फेमन जो इसका करते हैं वो MKS सिस्टम में फर स्क्वेयर मीटर पे करते हैं, और यूनिट्स ऑफ फेमन FAS सिस्टम में फर्सन स्क्वेयर फिट पे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।